This is the future. What's up, guys? Welcome to my YouTube channel, The Technical Akash. I think so, guys. Let's start this video. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna leave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, नल्ले आदमी हे भगवान कुछ तो दे दे मुझे क्या भगवान, मैंने आपसे टाइम पास की चीज मांगी थी, आपने तो सीधे सैटेलाइट ही मेरे ऊपर गिरा दिया। पैसे दूं क्या? नहीं नहीं, अब कुछ ना दो। नहीं ले ले। अरे बोला ना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है भेजो। अरे ये किसके घर का केबल काट दिया? वो मेरे घर में आएगा, मुझे दज्जूते और मारेगा। फ्रेंड्स आइडिया, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इस तरीके से एक मेन इलेक्ट्रिक केबल से हम आज एक स्पाइडर बनाएंगे, जो वाइब्रेशन स्पाइडर होगा और जिसे आपको चलाने में बहुत ही मजा आएगा। तो फ्रेंड्स चलो बिना देर किए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हमने जो ये केबल ली थी इसको हम कुछ इस तरीके से कटर की मदद से इसको, इसमें जो मेन दो केबलें होती हैं इसके अंदर, उसको निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये दो केबलें निकाल ली हैं इसके अंदर से। अब फ्रेंड्स हम कुछ इस तरीके का एक कटर लेंगे और इसमें जो ये प्लास्टिक लगी है इसको हटा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इन वायरों की जो प्लास्टिक थी उसको निकाल ली है, यानी कि रबड़ निकाल ली है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो इस तरीके से ये वायर हैं मैं इसके चार पीसेस कट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये चार पीसेस कट कर लिए हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और फ्रेंड्स एक इस तरीके का छोटा पीस कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इनको लेंगे और फ्रेंड्स इसको थोड़ा सैंड पेपर से घिस देंगे ताकि ये शाइनिंग करने लगें। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सैंड पेपर से घिस दिया और फ्रेंड्स देखिए ये शाइनिंग मारने लगे हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमको कुछ इस तरीके से एक बड़े साइज का सैंड पेपर ले लेना है और इसके जो इसके आगे साइड का पार्ट है इसको थोड़ा पतला कर लेना है, यानी कि इसे नुकीला कर लेना है। फ्रेंड देखिए मैंने इन्हें इधर से नुकीला कर दिया, ये देखिए काफ़ी नुकीले हो चुके हैं। अगर आपसे कोई ज़्यादा बकवास करे तो सीधे घुसेड़ दीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फ्रेंड्स ये तो रही मजाक की बात, तो फ्रेंड्स इसे अभी किनारे रखते हैं। और फ्रेंड्स इसे अब क्या करेंगे, मैंने कुछ इस तरीके से एक टीन ले ली है कुछ इस टाइप से। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से रख कर फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे फेविक्विक की मदद से चिपका दिया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी मजबूती के लिए हम इसमें सोल्डिंग कर देंगे। फ्रेंड देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे सोल्डिंग मशीन से इसमें सोल्डिंग कर दी, ये देखिए फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ये मैंने टीन ली थी इसको कुछ इस तरीके से पूरा मोड़ देंगे इसमें। फ्रेंड देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दोनों तरफ ये सोल्डिंग कर दी है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये हमारे शेप में आ चुका है जैसा हमें चाहिए था। अब फ्रेंड्स इसकी जो ये दोनों साइड की पत ये जो हमने निकाले थे वायर, इनको कुछ इस तरीके से मोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए अब आपको कुछ थोड़ा थोड़ा स्पाइडर की शेप में ये दिख रहा होगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इनको ऊपर की तरफ उठाना चालू कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारी फाइनली मकड़ी ने अपना शेप ले लिया, ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने इसे मोड़ दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है, जो मैंने वो छोटा टुकड़ा इसका काटा था मैंने कुछ इस शेप में इसको मोड़ दिया है। और फ्रेंड्स आपको एक चम्मच ले लेना है और इसका इधर का पार्ट कट कर लेना है
और फ्रेंड्स ध्यान रहे घर का चम्मच ना उड़ा देना, नहीं तो आपकी मम्मी ना अच्छे से ठुकाई करेगी। तो फ्रेंड्स ख़राब चम्मच ही का यूज करें। और फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की एक और मेरे पास इस तरह की पट्टी है, और फ्रेंड्स इसको मैं कुछ इस तरीके से बैक साइड में चिपका के इस चम्मच को कुछ इस तरीके से चिपका दूंगा। फ्रेंड्स देखिए फाइनली मैंने इसमें सब कुछ कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने ये जो मोड़ा था इसको चिपका दिया। ये देखिए फ्रेंड्स इस चम्मच को भी मैंने चिपका दिया, और फ्रेंड्स इधर से एक पत्ती मैंने और चिपका दी। ये देखिए फ्रेंड्स आगे पीछे सब जगह से मैंने इसे चिपका दिया है। तो फ्रेंड्स ये तो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, अब इसको साइड में रखते हैं। फ्रेंड्स आते हैं इसके मैकेनिकल पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स इसको मकड़ी को जो हमारी स्पाइडर है इसको वाइब्रेट करने के लिए कुछ इस तरीके की हमको ये वाइब्रेशन मोटर चाहिए होगी, और फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की एक मिनी बटन, और फ्रेंड्स इस तरीके के हमें दो LED। फ्रेंड्स इन LED को मैंने कुछ इस तरीके से प्लस और माइनस में कनेक्ट कर दिया है आपस में। तो फ्रेंड्स देखिए इसके मैंने कनेक्शन कर दिए। फ्रेंड्स कनेक्शन काफ़ी ईजी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो ये LED में जो ये ब्लू कलर की ये पट्टी लगी है ये नेगेटिव है, और फ्रेंड्स जो ये दूसरा सिरा है ये पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये नेगेटिव है मैंने इसको इस मोटर से कनेक्ट कर दिया इसके इस सिरे से, और दूसरी मोटर के जो पॉजिटिव है उसको इस सिरे से कनेक्ट कर दिया, और फ्रेंड्स बीच में इन दोनों मोटरों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। और फ्रेंड्स जो ये नेगेटिव सिरा निकला है इसको डायरेक्ट इस बैटरी से नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर दिया, और जो ये पॉजिटिव सिरा निकला है इसको डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव सिरे से मैंने एक वायर निकाला है इसको मैंने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया और दूसरे सिरा निकाल दिया है और फिर इसको इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स कनेक्शन काफ़ी ईजी हैं। अब फ्रेंड्स क्या करूँगा जो इस तरीके से हमारा जो स्पाइडर है इसके बैक साइड में मैं इसको चिपका दूंगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से मैंने इसे चिपका दिया। अब देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना एकदम बिल्कुल स्पाइडर की शेप में, ये इसकी जो मैंने LED लगाई थी ये आँख की काम आँख के जैसे दिख रही है इस स्पाइडर में। तो फ्रेंड्स ये तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी बारी टेस्टिंग की। चलिए चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा कंप्लीटेड है। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा रियल के जो स्पाइडर होता है उसी तरह सेम लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसको ये प्रेस करूंगा इस बटन को, ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारे स्पाइडर में हमने जो ये वाइब्रेशन मोटर लगाई थी वो ऑन हो चुकी है, और देखिए फ्रेंड्स इसकी LED भी ऑन हो चुकी है, और LED ऐसा लग रहा है कि जैसे जो स्पाइडर की आँख है वैसी हो। और फ्रेंड देखिए जैसे मैं इसे इधर पर रखूंगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये वाइब्रेट होके ऑटोमेटिक चलने लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसे बटन ऑफ करूंगा ऑफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है ये स्पाइडर। फ्रेंड्स काफी अच्छा देखने में लुक लगता है, और फ्रेंड्स देखिए पूरा रियल का स्पाइडर जैसे लगता है, अगर किसी को दिखा देंगे तो वो डर जरूर जाएगा। और फ्रेंड्स आप बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे भी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे इससे, और काफ़ी अच्छा टॉय होगा। और फ्रेंड्स किसी को बर्थडे में दे सकते हैं, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो बोर में इसको चलाएं मज़ा आ जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स आई होप यू प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि जब भी मैं इस तरीके इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो इस स्पाइडर के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और शेयर कर देना, और एक कमेंट लिख देना कि ये स्पाइडर आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।